मैं इमोशनल फूल आदमी हूँ, है ना। उसका है कि मेरी शान शौकत नाक नजर मेरे चेहरे की मुस्कान तुम्हारी है। प्रियांशु सिंह उर्फ चीता और युक्ति कपूर उर्फ करिश्मा ने भी शो में अपनी जर्नी को लेकर बातचीत की। इस दौरान दोनों काफी इमोशनल नजर आए। चीता ने अपने फैंस को काफी अनोखे अंदाज में कविता के जरिए धन्यवाद किया। क्या कुछ कहा इन दोनों ने, आप भी सुनिए। हाँ बताइए, फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब मैडम सर का ऑफ एयर जाने का न्यूज आया आपके पास? क्योंकि फैंस के पास जब गया वो काफी इमोशनल भरा पोस्ट यार लगे और मना करने लगे कि क्यों कर रहे हो, उनको देखकर और भी ज्यादा बुरा लगता है। एक बात बताऊं, बेचारे दिन भर वो ऐसे ऐसे पिक्चर्स, ऐसे ऐसे वीडियोस, ऐसे ऐसे इमोशंस बनाते ना यार। मेरा एक फैन पोएम है जो मैंने कहीं नहीं पढ़ा, आप सब रिकॉर्ड कर लो, सब कुछ डालना, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये मैं 10 बार मैंने कोशिश करी कि मैं इसको अपने यूट्यूब चैनल पर डालूँ, पर वो डाल नहीं पाया। मैं मोबाइल में, माँ कसम, नहीं रिकॉर्ड मेरे मोबाइल में होगा। मैं मोबाइल इज देयर इन द, अरे भाई मेरे कमरे में मेरा मोबाइल चार्ज हो रहा है, फटाक से लेते होगा। मैं ये 2 मिनट फैंस के लिए पोएम पढ़ता हूँ, पर ये है कि यार सब कुछ एक बहुत उनके लिए ज़्यादा बुरा लग रहा है यार। वो दिन भर एक एक वीडियोज़ और पोस्ट बना रहे हैं कि मैडम सर इज़ नॉट जस्ट अ शो, इट्स एन इमोशन विच इज़ हिटिंग हार्ड, हाउ वी गोना लिव आवर लाइफ। वो डिफ़िकल्ट, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि हम अभी उस समय क्या करेंगे, कैसे प्ले करेंगे, क्योंकि मैडम सर एक शो से बाहर निकलकर उनके खेलने का भी वो पार्ट बन गया था। वो उसमें कोई, हमारे बहुत सारे फैंस आए, उन लोगों ने बताया कोई इसमें चीता चतुर्वेदी बनता है, कोई करिश्मा सिंह बनती है, दिस इज़ हाउ दे प्ले। तो मैडम सर तो यार इसने एक नहीं बहुत सारी चीज़ों को वो करा और बुरा उनके लिए ज़्यादा लग रहा है मुझे, अपने लिए तो लगे रहा। और खुशी इस बात की है कि हम एक ऐसे शो का पार्ट रहे हैं जिसने काफ़ी लोग बच्चों को भी इंस्पायर किया है और वो आज आईपीएस ऑफिसर बनना चाहते हैं, तो एक इंस्पायरिंग कैरेक्टर किया है, उस चीज़ की बहुत खुशी है। दुख इस बात का है कि अब इस कैरेक्टर से दूर जाना पड़ेगा, अब अपने दिल और दिमाग से करिश्मा सिंह को निकालना पड़ेगा। लेकिन आप सब, ये मैडम सर सीजन 1 बंद हो रहा है, लेकिन आप सबके लिए एपिसोड्स यूट्यूब पे हमेशा रहेंगे। जब जब मिस करोगे आप यूट्यूब पे जाके एपिसोड्स देखना, और हम सबके लिए प्रे करो कि अब आगे हमारी लाइफ में अगर कुछ और अच्छा लिखा है, मतलब मैडम सर से अच्छा तो क्या होगा, पर कुछ और लिखा है तो हम आगे वो करेंगे अपनी लाइफ में। आप उसके लिए प्रे कीजिए और वेट कीजिए हमारे दूसरे कैरेक्टर्स के लिए। सुनाओ पोएम। यार मेरी ना, मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल आदमी हूँ, मैं इमोशनल फूल आदमी हूँ, है ना। मैं वो है कि इमोशन, मेरे से कोई प्यार करता है ना, मैं उससे 10 गुना ज़्यादा प्यार कर लेता हूँ। तो ये फैंस, आप ये क्वेश्चन हमेशा हमेशा आता रहता है कि फैंस आपको इतना ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उनके लिए क्या बोलना चाहते हैं? तो यार उनकी तारीफ, उनके बारे में तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत बातें हम बोल ही देते हैं ऐसे, लेकिन एक होता है ना कि आप किस तरीके से, क्योंकि वो अपना क्रिएटिव तरीका इस्तेमाल करके हमें खुश करते हैं, तो क्यों ना हम ही उन्हें खुश करें। एक पोएम जो हमेशा से रह गया था, ये कुछ जुलाई अगस्त में लिखा हुआ था पिछले साल, उसका है कि मेरी शान शौकत नाक नज़र मेरे चेहरे की मुस्कान तुम्हारी है। मेरी शान शौकत नाक नज़र मेरे चेहरे की मुस्कान तुम्हारी है, मैं माथा चूम लूँ तुम सबकी मेरी जानो, मेरे धड़कन की बढ़ती रफ्तार तक तुम्हारी है। मैं जानता हूँ आसान नहीं है तुम्हारी जगह को अपनाना, मैं जानता हूँ आसान नहीं है तुम्हारी जगह को अपनाना, पढ़ाई का प्रेशर, करियर की चिंता, माँ बाप के ताने, इन सब के बाद भी दिन भर मेरे एडिट्स बनाना। मैं जानता हूँ आसान नहीं है तुम्हारी जगह को अपनाना, पढ़ाई का प्रेशर, करियर की चिंता, माँ बाप के ताने, और इन सब के बाद भी दिन भर मेरे एडिट्स बनाना। थक जाती होंगी तुम्हारी नन्ही उंगलियाँ आज कहो तो उन्हें सहला दूँ क्या, थक जाती होंगी तुम्हारी नन्ही उंगलियाँ आज कहो तो उन्हें सहला दूँ क्या, बंद कमरों में रोते हुए बीतती होंगी तुम्हारी रतियाँ आज कहो तो तुम्हें चुप करा दूँ क्या, और नन्ही जेब काट कर भेजते हो जो तोहफे तुम, वो मेरे लिए क्या है, हनुमान की तरह सीना फाड़ के दिखा दूँ क्या। तो सुन लो दुनिया वालों, तुम सब पर मेरी एक टुकड़ी भारी है, तो सुन लो दुनिया वालों, तुम सब पर मेरी एक टुकड़ी भारी है, मेरी तारीफ बहुत हुई आज मेरे पलटन की वारी है, है ना। ये मेरी सबसे फेवरेट लाइन है कि हीरो हूं मैं, ये सच तुम्हारे बाद मैंने माना है, हीरो हूं मैं, ये सच तुम्हारे बाद मैंने माना है, भरोसा सिर्फ तुम करते हो, बेइज्जत करने को साथ खड़ा पूरा जमाना है, और अगर गिर जाऊं तो संभाल लेना दोस्त, इस राजू को तुम्हें ही जेंटलमैन बनाना है।
है ना, क्योंकि हीरो हूँ मैं, ये सच मैंने तुम्हारे बाद माना है, भरोसा सिर्फ तुम करते हो, बेइज्जत करने को साथ खड़ा पूरा जमाना है, और गिर जाऊँ तो संभाल लेना दोस्त, इस राजू को तुम्हें ही जेंटलमैन बनाना है, और अगर दिख जाऊँ कहीं तो हक से रोक लेना, मैं मिलूँगा ज़रूर, दिख जाऊँ कहीं तो हक से रोक लेना, मैं मिलूँगा ज़रूर, रोशनी में दुनिया साथ है, अंधेरों में साथ रहना, हीरो बनूंगा ज़रूर। और आखिरी लाइन है कि तुम्हारे मिलियंस तुम्हें मुबारक, मेरे 1.5 लाख तुम पे भारी हैं, मेरी तारीफ बहुत हुई आज, मेरे पलटन की बारी है। सो दिस वॉज द पोएम, दिस वॉज नॉट अ पोएम, दिस वॉज अ इमोशन। हाँ, आज फाइनली यार ये इसको मैं बहुत कैश आउट करना चाहता था कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर अब कुछ नहीं यार, अब जब ये शो नहीं तो ये पता नहीं, ये पर मैडम सर नहीं ना, मैडम सर नहीं है लेकिन, तो यस एनीवेज सारे मोमेंट हैं यार, सारे मोमेंट हैं। बहुत अच्छी फीलिंग है जब हम देखते हैं कि हमने कुछ किया और वो हमारे ऑडियंस के दिल तक पहुंचा और वो फिर उसे देखते हैं, बार बार वायरल करते हैं, बहुत अच्छी फीलिंग है ये, बहुत अच्छा फील होता है हमें। मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी हर किसी को, जो हमारे मैडम सर के जितने भी फ़ैन क्लब्स हैं सबको, मेरे पर्सनल जितने फ़ैन क्लब्स हैं, प्रियांशु के फ़ैन क्लब्स, गुलकी के, पुष्पा जी के, बिल्लू के, थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए ना, थैंक यू सो मच। सॉरी मैडम सर वंदोरा, आई एम सॉरी, लेकिन सॉरी, सीरियसली दिल से सॉरी, आप लोगों को बहुत बुरा लग रहा है, पर आगे मूव ऑन, लाइफ ऑलवेज मूव्स ऑन, सो स्टे स्ट्रांग, ओके। थैंक यू।